सारे भाइयों भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ भाई। इब ये जो विषय है इसके ऊपर चर्चा करांगे, जो कि वो फर्जी आईडी बनी थी और उसके ऊपर फर्जी आईडी के ऊपर कम से कम इनके पास कॉल आई देश विदेश से करीबन 1800 कॉल। हाँ जी 1800 कॉल आई मेरे पास। अच्छा फिर बिल्कुल कभी परेशान हो गया आपने यूँ स्टेप उठाया भाई? पुलिस में भी केस किया, पुलिस वाले बोले नंबर बदल ले। अच्छा नंबर बदल लियो, आज नंबर बदलाऊ तड़के और कुछ बदलवाऊंगे, मैंने नहीं बदले सर नंबर। अच्छा उन्हें फोन करते रहे खूब, मैंने कोई नंबर बदले। मैंने जैसे कोर्ट में गई मुकिल के पास दरखास्त लिखवाई, सीओ मंडोम गेरी और एक में डीसी के पेस हुई। अच्छा उसके बाद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई आज तक, इसकी कोई तारीख नहीं लगती। एक बार बस पुलिस वाले ने बुलाया यो, एक 6-7 महीने के बाद यो पाछे थोड़ी देर पाछे थाना मती छोड़ दे यो अपना करना गया। इसने जाने के बाद फोन करा बोले तेरा काका का कहीं बिगाड़ लिया, मतलब उल्टी लफ्ज बोल रहा है। देखो भाई एक तो नुक है, अब मनोहर लाल खट्टर जी नुक है कि भाई अपना हरियाणा में महिला सुरक्षित हैं, तो सुरक्षित कड़े हैं जी। मान लो कोई फर्जी नंबर कितने भी की लगा दे, हम यूं नहीं कतकन दे भाई किसने लगाया किसने नहीं लगाया, लेकिन वो लग गया उसका पूरा डिटेल निकालन की हो जाए, उसका भेद काटन की हो जाए, जिसने भी क्राइम कराया उसको मतलब सजा देने के बजाय पुलिस वाले भी या इन ऊपर तैयार कहे हैं भाई अपने जाओ इस टाइप से। हाँ, जाओ भी नंबर बदल लियो, नंबर बदल लियो, क्यों दुखी हो रही है, रोज परेशान कर रही है। मान लियो नंबर बदल लिया, दूसरा नंबर भाई कल ने फिर वो एक काम कर दिया तो उसका पकड़ के सजा देने की बजाय सर मेरा कोर्ट में केस चलता है खर्चा का, और भाई इसने पेक्स मारे था उस चीज का, तो कल मैं नंबर तो मैं वकील ला दूंगी जिसके पास फिर नंबर मिल जाएगा। कितने एक नंबर बदलू मैं, क्या क्या बदलू, ये पहली टेंशन थोड़ी, तीन तीन बच्चे रहे, एक लेडीज तीन बच्चों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ट्यूशन भी लगवाना, क्या नहीं चाहिए आज की जिंदगी में इतनी महंगाई। गवर्नमेंट 1000 रुपये खर्चे बंदे थे तो 1000 रुपये में एक बच्चा का बिना का खर्चा भी नहीं लगते, और मार्शी भी अभी नहीं मिल रही, 2-2.5 साल हो गया आज तक कोई खर्चा नहीं दे से मारती। तो केस उसने भी कर रखे, राहुल फुहार ने कर रखे, उनका भी चला जी पैक्स साला, उन्होंने भी वकील कर रखे हैं। अच्छा कब से कराया उन्होंने इनके, जैसे उन्होंने वकील उस टाइम पर कराया था जी खर्चा का टाइम पर ही मेरे साथ में 2016 में छुपा हूँ। और मैंने कही भी थी माँ भाई अगर केस कर, वो कहता केस करूँगा तो मैंने यही कही थी भाई देखो केस ना करिए, अभी तक तो ना करे क्योंकि किसी का घर बस जा भाई, हम घर जोड़ा हाँ हम तोड़ने नहीं आ रहे, हम तो यह चाहवा भाई जुड़ जा और भाई घर बसा रह जा, क्योंकि तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ना कर सका। हाँ तो इसने वकील बोल रहे आपको मैंने केस नहीं किया, तो फिर वकील किस लिए करा के इन्हें? अच्छा इन्हें वकील करा क्या दादरी का? तो ये भी तारीख पर आता है, तारीख पर नहीं आते नहीं, उसकी माँ सम्मान लेती और रहता दोनों माँ बेटे इकट्ठे रहते हैं। कि जैसे गाने गुने बना रहा है यो अपनी आवाबाजी बना रहा, मारे हर एक छोट बदनामी कर रहा, हम आज तक को जाना आना है छोड़ दिया, हम इसका कहीं नाम नहीं ले रहे, तो हमारी क्यों बदनामी कर रहा है? तेरी ताई रहे भाई रिकाड़े रोड पर है, फलान रहे है, वहाँ से भी सर मैंने मकान बदलना पड़ा, यो हमारा एड्रेस दे। उस टाइम उन्हें उस टाइम का मेरा एड्रेस का पता था, एक दो बार आए थे ईब, हमने वहाँ से एड्रेस चेंज कर दिया इनके वजह से। क्या पता मेरे पास दो लड़की है एक लड़का, कौन किस आदमी बढ़ जाए, उसके जिम्मेदार कौन है? कल मैं उसमें दोषी भी मैंने कमाऊंगी क्या मेरा, इसने किस वजह से बाड़े हो, इज्जत तो इज्जत होती है। आज यो मेरे ऊपर गलत इल्जाम ला रहा है, तो आज मैं गलत हूँ तो कल यो मेरी बेटिया को भी गलत बताएगा। बिल्कुल सही बात है जी, देखो जब मैं गलत होती तो उस टाइम पे शादी करवा सकती थी मैं, बच्चों ने इसका छोड़ सकती थी। बिल्कुल बच्चों की क्या गलती थी सर उस टाइम पे, बच्चे मैंने मेरे पास रखे, इनकी कोई गलती नहीं थी, इनकी किस वजह थी सच्चाई दी, मन ने तो घराला मिल जाता दूसरी शादी कर लेती, इनने माँ मिल जाती, उतनी इनकी वैल्यू नहीं थी, छोटी बड़ी वाली गुड़िया कैंपर का हाथ ला देती तो इसकी दादी थप्पड़ मारा करती। अच्छा हाँ पानी का भी नसीब नहीं था, इतने बच्चों से नफरत कराया करती, बस उनने सब दिखे बाण जा काल मरते चाहे आज मर जाते, इन लड़का की कोई नहीं थी, छोटी वाली गुड़िया का नाम नहीं हो गया था। घर से फोन कराया कोसड़ी उतारेवाड़ी से आई, घर वाले भाई आई ना थी, एक गुड़िया तो ये ले गए बड़े वाली ने, छोटी वाली का एडमिट करवाई, सास नाले ही लागी, ज्यादा नाम नहीं हो गया था गाड़ी करके लिए, गाड़ी वाले का किराया भी भाई उन्होंने दिया, बीमारी का भी पैसे गए। आज तक जितना सपोर्ट मिले मेरे बच्चों के लिए मेरे पीर से मिले, उनने तो आज तक एक कपड़ा नहीं खरीदा, एक दो बार इसके दादा ने खरीदे थे, उनके भी इसने खर्चा में 30,000 रुपये काट लिए, जैसे दो दो इन तिला बट्टी शर्ट दिवाई थी उस टाइम पहले गए रेवाड़ी फैसले के कारण, दो तीन छोटे वाले बच्चे के उनके भी रुपये इन्हें 30,000 रुपये काटे, 30,000 के कपड़े दिवा दिए बच्चों से। अच्छा। फिर मैंने इसका दादा ने कही भाई 30,000 रुपये भी काटा, मैं कोई बात नहीं पापा खर्चा में 30,000 जो जितना बताओ उतना काट लिया, जितना मेरे देना चाहो उतना आप दे दो। मैंने हमेशा इसके दादा की इज्जत रखी, अब भाई वो पहले ज़्यादा प्रेशर में रहे हैं जी दे। फिर इसका दादा अलग से मिला कोर्ट में, बोले भाई सुनीता नहीं उन्हों बात से, मैं कोई बात नहीं पापा आप जैसे चाहो उसे करो। तो जैसे कि आगे इन्हें मेरे 16-17 हज़ार रुपये दिए थे, बाकी इन्हें 30,000 रुपये लत्ते कपड़े में काट लिए, इन्हों बताओ लत्ते कपड़े तो 30,000 में तो हम बच्चों को 3-4 साल पुरा सकते हैं। बिल्कुल इतने बड़े मेरे बच्चे नहीं थे जो इन्हें 30,000 के कपड़े दिए।
फिर गुड़िया से मैंने पूछी बेटे कितने कपड़े ने मम्मी मार्शे तो बेली एक तो फ्रॉक दिवाया था 1100 रुपये का रोड़ी 200-250 किलो बटे छिड़ दिए बाकी तो उनके 5000 के तो जूते दिवाए थे बाण जो सी नानंद के सूट दसे उनसे बाण जो थी कपड़े जूते मैं जो रुपये थे उनका ले गए और काटे मारे खर्चा मासी ठीक क्योंकि अब जो ये मेहनत करी ना इनकी मेहनत उन्होंने खुद देखी है तीन तीन भैंस और तीन तीन भैंसा का काम ये खुद अकेले कर रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं दो लड़की एक लड़का छोटा वो भाई हो तो वे कणजो का कौन ही लेकिन ये गुड़ियाँ हैं बेचारी ये इनका सारा लगाव है और भाई एक भैंस का भी करना बहुत मुश्किल हो जाए औखा हो जाए कोई बहुत कम कर सके लेडीज और ये तीन भैंसे का अकेले कर रहे हैं और मेहनत से कमाओ मेहनत से कहाँ है तो ये भी तो किसी की बहन बेटी है इसकी भी तो सोच इसकी भी तो फीलिंग है तो भाई मैं यह कहूँगा कि ये भी बाण बेटी हैं तो ये चीज़ इनके साथ गलत है तो भाई गलत है योरा की बाण बेटी के कह रहे सर हम किसी की बाण बेटी नहीं है बिल्कुल है बिल्कुल आज मैं दूर बैठी मेरी मां तो तकलीफ होती होगी अगर मेरी बेटी कैसे रह कहती नहीं है जो क्या है मेरे को तो पता है बिल्कुल कल मैं बीमार हो जाए मेरे बच्चे मेरे साथ जब मैं रोटी नहीं खाऊं तो मेरे बच्चे मेरे साथ भूखे सोऊं अगर मेरे अलावा मेरे बच्चे का कौन है कोई नहीं है कई बार कोई बात बीमार ऐसा हो जाए तो पड़ोसी लेके जाए डॉक्टर के क्यों लेके जाए पड़ोसी अनबेरा है अब भाई अपना खुद अपना दम पकड़ के खा रही है रात ने तीन तीन चार चार बजे उठ के सबके बस का कोनी जी डांगरा का करना दूध गालना खेत का करना बच्चों तैयार करना टिफिन बनाना ट्यूशन करना ये सबके बच्चा कोनी क्यों कोनी मैं क्यों कर रही मेरे बच्चों के लिए अख मैं मेरे बच्चों ने अपना पैरों पर खड़ी करना चाह रही हूँ अख मेरी ननदनी कोई थी तेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे हाँ आज तक मान लू मेरे बच्चे आज के दिन मैं अपने अच्छे ज़्यादा मेरे बच्चों में बढ़िया स्कूल में पढ़ा रही हूँ बिल्कुल हाँ क्यों पढ़ा रही हूँ अक मैंने उनकी पैज थी अक ने बोली तेरे बच्चे भीख मांगेंगे पट्टे टूटे कपड़े पहनेंगे बोली सरकारी स्कूल में पढ़ाओगी आज इतने होते हैं मेरे बच्चे खतर मैंने एक मैं सौर बांध नहीं पड़े थे मैं वो अभी बांधूँ क्यों मैं मेरे बच्चे अपना पैर पर खड़ी करना चाहूँ उन्हें भी दिखाऊँ भाई एक बाप के सारे बच्चे नहीं पढ़ते अक माँ भी बहुत कुछ कर सके आज जब एक शादी में जीवन सुखी नहीं था तो दूसरा के सुख देगा सही बात है बिल्कुल कोई हम लेडीज नहीं थोड़ी और छा तो भाई कोई भी जैसे लेडीज